बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इंडेफिनेट सीरीज कंप्लीट कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस की सीरीज शुरू करेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी या चल रहा, जो काम मुसलसल चल रहा हो, जारी हो, उसके लिए कंटिन्यूस इस्तेमाल होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वो इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग बुक, तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। इस तरीके से मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम मुसलसल चल रहा हो, जारी हो, उसके लिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल होता है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसकी फॉर्मेट, इसका यूज, एग्जाम्पल क्या होते हैं, तफसील के साथ समझते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया करें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखें स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, या इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं जमान, जमाना हाल इस्तमरारी या जमाना हाल जारी। सिंधी में भी यही कहते हैं, जमान हाल इस्तमरारी या जारी। इसकी निशानी देखें, पहचान जो है उर्दू के जुमलों में अक्सर जो है रहा है, रही है, रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से। और सिंधी में इसकी निशानी है रहो आहे, रही आहे, रया आहिन, या थो पयो थी पई था पया, पयो पई पया लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं इसमें सिंधी में। चलते हैं इसकी फॉर्मेट या स्ट्रक्चर की तरफ। देखें इसका स्ट्रक्चर जो बनावट है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी होगा, आई वी यू दे ही शी इट, इन सब्जेक्ट में से कोई सा भी हो सकता है, उनके साथ तीन हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एम इज आर, तीनों में से मतलब एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जैसा सब्जेक्ट होगा। और वर्ब की इसमें तमाम टेंसों में वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, चौथी फॉर्म वर्ब की, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। देखें एम इज आर समझ लेते हैं पहले। एम जो है किसके साथ लगता है, आई के साथ, आई एम, और इज जो है ही इज, शी इज, इट इज, या सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नेम हो, उसके साथ इज लगता, अली इज। और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जमा सब्जेक्ट, कौन से हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट, यू, यू आर, दे आर, वी आर, बॉयज आर, बॉयज भी देखें जमा है, अगर एक लड़का हो बॉय तो उसके साथ इज लगेगा, और जमा अगर प्लूरल होगा बॉयज तो उसके साथ आर लगेगा। इसी तरीके से नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद एम इज आर और नॉट लग जाएगा, फिर इंग वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझते हैं इसकी एग्जाम्पल भी साथ के साथ। देखें वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेडी रहे हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, काम करने वाला, डोयर ऑफ एक्शन कौन है इसमें, वो, क्रिकेट कौन खेल रहा है, वो, ही, वो को ही कहते हैं, और ही के साथ जैसा कि हमने पढ़ा है कि ही के साथ इज लगता है, तो ही इज। और फिर फर्स्ट देखे सब्जेक्ट के बाद इज आ गया, और इंग वाली फॉर्म, चौथी फॉर्म इंग वाली आ गई, प्ले लिखना, वो खेलना, प्ले इसमें इंग लग जाएगा, प्लेइंग। चौथी फॉर्म बनाने का आसान तरीका ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म में इंग बढ़ा दी जाती है, आई एन जी इंग, तो वो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और ऑब्जेक्ट इसका है क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसका नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे, देखो आसान तरीका, इसके बाद यहां पे नॉट लग जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है,
ये दूसरी फॉर्मेट है सब्जेक्ट, फिर इज, ही इज, नॉट, इंग वाली फॉर्म प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट. ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव हो गया. इंट्रागेटिव में देखें एम इज आर, इनमें से इज है तो इज बाहर निकल आएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट होगा. देखें ये इज शुरू में आ गया है और फिर सब्जेक्ट ही इज ही, फिर इंग वाली फॉर्म, ये देखें फोर्थ फॉर्म जो है इसको फोर्थ फॉर्म ही कहते हैं, प्लेइंग और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ गया. अच्छा क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है इंट्रागेटिव सेंटेंस में, ये हम पहले सीख चुके हैं. इसी तरीके से चौथा सेंटेंस जो है सवालिया इनकारिया, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, इसमें एम इज आर में से जो भी होगा वो शुरू में आ जाएगा, ही के साथ इज लगता है तो देखें इज शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट ही इज ही, फिर नेगेटिव है तो नॉट भी लग गया. देखें ये इज ही नॉट प्लेइंग, इंग वाली फॉर्म आ गई, देखें प्लेइंग और क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट. अच्छा एक चीज और समझने की है स्टूडेंट, देखें अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो, ई, और उसमें हमने इंग लगानी हो, आई एन जी इंग, तो वो ई को खत्म करके हटाकर फिर इंग लगाई जाती है. जैसे टेक है, टेक में ई लगा हुआ है, तो टेकिंग जब कर लिखेंगे हम, इंग वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ई को खत्म करके, ई को रिमूव करके हटाकर फिर इंग लगाई जाती है. इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिस तरह रन, उसके आखिरी में कंसोनेंट होता है, उससे पहले एक शॉर्ट वावल होता है, तो उसको डबल करके, उस लास्ट लेटर को डबल करके फिर इंग लगाई जाती है. जिस तरह रनिंग अगर लिखेंगे तो रन एन को डबल कर देंगे, इस तरह बिगनिंग वगैरह कुछ और वर्ड भी हैं, या टेक की जगह राइट, राइट मीन लिखना, राइट में भी देखें ई है तो ये ई को हटाकर खत्म करके राइटिंग, इसकी चौथी फॉर्म जो ई वाली होगी तो ई खत्म हो जाएगा और राइटिंग बन जाएगी इसकी. स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट के बाद इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एम इज आर, आई के साथ एम लगता है, ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ इज, और वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है, और इंग वाली फॉर्म जो चौथी फॉर्म है वो तमाम टेंस तमाम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. उम्मीद है कि ये टेंस अच्छी तरह तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा. जिनको नहीं आया तो उन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा जो है नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और दीगर स्टूडेंट को भी ये वीडियो शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें. थैंक्स.